What's up everybody, मेरा नाम है शौकत और गाइस नोकिया का 2018 का सबसे पहला 18x9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले वाला मोबाइल होने वाला है लॉन्च MWC 2018 में, जिसका नाम है नोकिया 7 प्लस। हम देखेंगे नोकिया 7 प्लस में बहुत सारी अपग्रेड्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस नोकिया 7। और गाइस इस डिवाइस का स्पेसिफिकेशन और डिजाइन वगैरह हो चुका है इंटरनेट में लीक, और आज इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ इसी के बारे में। तो अगर आप लोग नोकिया की लवर है तो ये वीडियो एकदम एंड तक देखते रहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस नोकिया करने वाला है नोकिया अपना अपर मिड रेंज स्मार्टफोन को लॉन्च MWC 2018 में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले और डिजाइनिंग की। तो र्यूमर यह है कि हमें देखने को मिलेगा नोकिया 7 प्लस में 6 इंच का एक बेजललेस डिस्प्ले, जो आएगा न्यू एस्पेक्ट रेशियो फॉलो करके, जो कि है 18x9 एस्पेक्ट रेशियो। और जो रेजोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा डिस्प्ले का वो है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन। और गाइस हमें देखने को मिलेगा 2.5D कर्व डिस्प्ले नोकिया 7 प्लस के स्क्रीन के ऊपर। और गाइस लीक ये बता रहा है कि हमें देखने को मिलेगा नोकिया 7 प्लस में ग्लॉसी बैक पैनल। और गाइस हमें देखने को मिलेगा नोकिया 7 प्लस में पीछे की तरह मोबाइल की पीछे की तरह डुअल कैमरा सेटअप टिपिकल नोकिया डिवाइसेस की तरह। और उसके नीचे देखने को मिलेगा एक फिंगरप्रिंट सेंसर और उसके नीचे लिखा होगा नोकिया का ब्रांडिंग नोकिया 7 प्लस में। और गाइस हम आशा कर सकते हैं कि नोकिया 7 प्लस में हमें देखने को मिले IP54 का रेटिंग, जो कि है स्प्लैश प्रूफ। और हमें देखने को मिलेगा नोकिया 7 प्लस दो कलर वेरियंट में, जो कि है ब्लैक एंड व्हाइट, और इसका पिक्चर भी लीक हो गया है। और गाइस बात करें अगर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की, तो हमें देखने को मिलेगा नोकिया 7 प्लस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट, और साथ ही साथ देखने को मिलेगा एड्रिनो 512 का GPU, साथ ही साथ देखने को मिलेगा 4GB का रैम वेरिएंट और 64GB का स्टोरेज वेरिएंट नोकिया 7 प्लस का। और हमें मिलेगा नोकिया 7 प्लस एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स, और बोला जा रहा है कि नोकिया 7 प्लस हमें देखने को मिलेगा स्टॉक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और इस मोबाइल में हमें देखने को मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट। और गाइस नोकिया के इस डिवाइस में हमें देखने को मिल सकता है नोकिया 7 प्लस में हमें देखने को मिल सकता है ओजेटो 360 डिग्री स्पेशियल ऑडियो टेक्नोलॉजी, जो हम देखे थे पिछले नोकिया 8 डिवाइस में। और गाइस बात करें अगर नोकिया 7 प्लस की कैमरा सेक्शन की, तो हमें देखने को मिलेगा नोकिया 7 प्लस में डुअल कैमरा सेटअप। और बात करें अगर सेंसर की, तो हमें देखने को मिलेगा नोकिया 7 प्लस में 12 MP का सेंसर और 13 MP का सेंसर। और बात करें अगर फ्रंट कैमरा की, तो हमें देखने को मिलेगा नोकिया 7 प्लस में 16 MP का फ्रंट कैमरा सेटअप, जो आएगा f2.0 एपर्चर के साथ। और गाइस इस डिवाइस का सारे लेंस हमें देखने को मिलेगा जेइस ऑप्टिक्स का, और ये डिवाइस सपोर्ट करेगा नोकिया प्रो मोड साथ ही साथ बूथी मोड। तो गाइस बात करें अगर बैटरी कैपेसिटी की, तो पिछले नोकिया 7 में हम देखे हैं 3000 mAh के बैटरी कैपेसिटी। तो गाइस हम आशा कर सकते हैं कि नोकिया 7 प्लस में हमें देखने को मिलेगा 3500 mAh के बैटरी कैपेसिटी। और गाइस नोकिया 7 प्लस में हमें देखने को मिलेगा क्वालकॉम क्विक चार्जिंग कैपेबिलिटीज, और देखने को मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट भी नोकिया 7 प्लस में। और गाइस बात करें अगर प्राइसिंग की, तो हम आशा कर सकते हैं कि ये डिवाइस हमें देखने को मिलेगा 20,000 से लेकर 25,000 के बीच की प्राइस रेंज में। और पिछले बार नोकिया 7 डिवाइस अच्छा था, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही था, तो हम इस बार आशा कर सकते हैं कि इस बार ऐसा ना हो। और गाइस बात करें अगर रिलीजिंग की, तो ये कन्फर्म होकर आ चुका है कि नोकिया 7 प्लस हमें देखने को मिलेगा MWC 2018 में। MWC 2018 में नोकिया 7 प्लस होगा लॉन्च। और गाइस जो हैंडसन पिक्चर लीक हुआ है इस डिवाइस का, उसमें हमें देखने को मिला था नमस्ते लिखा है मोबाइल की स्क्रीन में। तो हम आशा कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें इंडिया में ही ये डिवाइस मिले। तो गाइस हम देखने वाले हैं नोकिया 7 प्लस में बहुत सारे अपग्रेड्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस नोकिया 7। हम सबसे पहले देखने वाले हैं एक बिगर डिस्प्ले, जो कि पहले था 5.2 इंच का नोकिया 7 में, और अब हम देखने वाले हैं नोकिया 7 प्लस में 6 इंच का एक डिस्प्ले, जो आएगा 18x9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। और गाइस दूसरा जो अपग्रेड है वो है प्रोसेसर का। हम देखने वाले हैं नोकिया 7 प्लस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट, जो कि पहले नोकिया 7 में हम देखे थे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 का चिपसेट। तो गाइस बहुत सारे अपग्रेड्स और नए नए फीचर हम देखने वाले हैं इस नोकिया 7 प्लस डिवाइस में। तो आप मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा फीचर इस डिवाइस का अच्छा लगा, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस डिवाइस में, इस नोकिया 7 प्लस डिवाइस में। तो गाइस बस इतना ही इस वीडियो में। आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब, और पास में जो बेल बटन है उसे भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको मिले क्विक नोटिफिकेशन। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दो यार, लिंक सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है शौकत और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।